कहानी की शुरुआत एक फैक्ट्री से होती है जहां कई सौ मजदूर अपने हकों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच फैक्ट्री के मालिक ने मजदूरों के नेता को बातचीत करने के लिए फैक्ट्री के अंदर बुलाया, जिसके बाद दो मजदूर फैक्ट्री के अंदर चले गए और उधर मजदूरों का धरना प्रदर्शन भी रुक गया। उसी समय सैम नाम का एक बच्चा पास के घर की छत पर बैठकर ये सब देख रहा था। घर पहुंचने के बाद सैम अपने पिता का इंतजार कर रहा था, जिनका नाम था रुद्र, और असल में मजदूरों के इस धरने की शुरुआत भी रुद्र ने ही की थी। इसीलिए जब सैम ने अपने पिता से पूछा कि ये धरना क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक इंसान को हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, और उनकी ये बात सैम के दिमाग में बैठ गई। उधर मजदूरों के नेताओं को फैक्ट्री में गए हुए 3 दिन हो गए थे, पर उनका अभी तक कोई अता पता नहीं था। इसीलिए रुद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर फैक्ट्री पर हमला कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ जब सैम और उसकी माँ डेला उन नेताओं को ढूंढने के लिए जब उनके घर पहुँचे, तो वो उन नेताओं को अपने घर पर आराम करता देखकर हैरान रह गए। ये देखते ही डेला समझ गई कि ये सब रुद्र को मारने का एक प्लान था, इसीलिए वो तुरंत ही अपने पति को बचाने के लिए भागी, पर रास्ते में पैर फिसलने की वजह से उसके पैर पर बहुत ज्यादा चोट आ गई। इसीलिए डेला ने सैम को भागकर अपने पिता को बचाने को कहा। उधर लड़ाई के दौरान रुद्र के ही एक साथी ने पीछे से आकर उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और जब तक सैम वहां पहुंचा, तो उसे सिर्फ अपने पिता की लाश मिली, जिसे देखकर वो बेचारा बहुत रोया, पर साथ ही उसके अंदर बदले की आग भी भरती जा रही थी। और अब वो किसी भी हालत में अपने पिता के कातिलों से बदला लेना चाहता था। और फिर जैसे ही वो एक शील्ड को पकड़कर जोर से चिल्लाया, तो अचानक से उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगा, जिसने उसे उठाकर पीछे फेंक दिया। पर इसी बीच वहां मौजूद सभी शील्ड टूट गई, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। और जैसे ही वो सैम को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तो उन्हें भी जोरदार बिजली का झटका लगा। कुछ सालों बाद एक दिन सैम की माँ कुछ सामान लेने के लिए शहर से बाहर गई। इधर सैम अकेले नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद भी उसकी माँ घर वापस नहीं आई। वहीं सैम के पास मौजूद सारा खाना भी खत्म हो गया था, इसीलिए उसे मजबूर होकर खाना ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा, जहां कुछ मवाली लड़कों ने उसे बिना बात के पीटना शुरू कर दिया। पर जैसे ही वो सैम को जान से मारने लगे, तभी वहां आगू नाम का एक लड़का पहुंच गया और उसने बीच में आकर सैम की जान बचाई। कुछ घंटों बाद जब सैम की आंख खुली, तो वो एक अनजान जगह पर आगू के साथ था। उसे होश में देखते ही आगू ने उसे गली के लड़कों से दूर रहने के लिए कहा, साथ ही उसने सैम को वादा किया कि वो उसे लड़ना भी सिखाएगा। इसके बाद उन्होंने एक नए शहर में जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। पर उस रात जब वो दोनों भाग कर ट्रेन को पकड़ने लगे, तो आगू ने तो अपनी तेज रफ्तार से ट्रेन पकड़ ली, पर सैम इतनी तेज नहीं भाग पाया, जिस वजह से वो पीछे ही छूट गया। इसके बाद सैम ने उसी शहर में रहते हुए छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद सैम एक प्रिंटिंग प्रेस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा, और वो अब भी आगू की बात मानते हुए गली के लड़कों से दूर ही रहता था, लेकिन वो अभी भी बिजली से बहुत ज्यादा डरता था। इसके बाद हम एक पार्टी में कुछ लोगों को पेंगोर्क नाम के एक आदमी के बारे में बात करते हुए देखते हैं। उनके मुताबिक पेंगोर्क का बचपन बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, और बचपन में ही उसके परिवार को जिंदा जला दिया गया था, जिसके कुछ दिनों बाद ही उसका एक रिश्तेदार उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़कर चला गया, जहां उसके साथ के सभी बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता, जिससे परेशान होकर एक दिन पेंगोर्क ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और साथ मिलकर अनाथ आश्रम के सभी मालिकों को ही मार दिया। इसके बाद पेंगोर्क खुद मालिक बनकर उस अनाथ आश्रम को चलाने लगा। अब पेंगोर्क एक अंडरवर्ल्ड डॉन बन चुका था, जो देश के गैर कानूनी धंधों का काफी बड़ा हिस्सा चलाता था। साथ ही उसके पास अनाथ बच्चों की एक फौज भी थी, जिन्हें वो लोगों को मारने की सुपारी दिया करता। और अब उसके एक प्लान के मुताबिक एक ड्रग को चावल में मिलाकर पूरे देश में फैला दिया गया था, जो कि प्रेग्नेंट औरतों को बहुत ज्यादा नुकसान करता था। इस बीमारी के देश में फैलते ही एंटीडोट की मांग बड़ी तेजी से बढ़ गई। ये एंटीडोट एक लैब ने बनाया था, इसीलिए इसे पास करने के लिए पार्लियामेंट में एक बैठक हुई, जहां दो पार्टियों के बीच बहस छिड़ गई। एक पार्टी में तो पेंगोर्क के साथी थे, जो इस एंटीडोट को रोकना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ हैरी और मैक्स थे, जिन्होंने ये बिल पास करके एंटीडोट को जनता तक पहुंचाने का फैसला कर लिया था। पार्टी में जब पेंगोर्क ने मैक्स से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया, तो मैक्स ने उससे हाथ मिलाने से मना कर दिया, जिससे पेंगोर्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और जब मैक्स वापस घर जा रहा था, तो पेंगोर्क के आदमियों ने उसे बीच रास्ते से ही उठा लिया, जिसके बाद उन्होंने मैक्स और उसके पूरे परिवार को जान से मार दिया। उधर जब सैम अपने बाथरूम में नहा रहा था, तो उसे अपने बगल वाले घर से चिल्लाने की आवाज आई, और जब वो वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि कुछ गुंडे वुलैन नाम की एक औरत को लूटने की कोशिश कर रहे थे। सैम खुद को रोक नहीं पाया और उसने तुरंत ही उन गुंडों को पीटना शुरू कर दिया। गुंडों के वहां से भाग जाने के बाद वुलैन ने सैम का धन्यवाद किया, पर रात को जब सैम अपनी नौकरी पर था, तो कई सारे गुंडों ने अचानक से उस पर हमला कर दिया, और जब उन्हें लगा कि सैम मर चुका था, तो उन्होंने उसकी लाश को नीचे फेंक दिया। उस वक्त वहां बारिश भी हो रही थी, और इसी बीच एक बार फिर से बिजली सैम के ऊपर गिरी और उसे वापस से होश आ गया। उस बिजली के झटके ने न जाने कैसे उसके शरीर की सारी चोटों को ठीक करके उसे वापस से जिंदा कर दिया। अगले दिन जब सैम मार्केट गया, तो उसकी नजर वुलैन पर पड़ी, जो अपने साथियों के साथ मिलकर गुंडों से बचने का रास्ता ढूंढ रही थी। पर तभी अचानक से वहां गुंडे आ गए और उन्होंने सैम का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसके पास बिजली की ताकत थी। उसने बड़ी ही आसानी से उन सभी गुंडों को हरा दिया, और उसकी इस जीत से इम्प्रेस होकर वुलैन ने सैम को उसकी टीम का हिस्सा बनने को कहा। पर सैम को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो बस शांति से काम करके एक आम जिंदगी बिताना चाहता था। लेकिन फिर उसी शाम
गुंडों ने उनकी पूरी मार्केट में ही आग लगा दी। और जब सैम की मुलाकात वुलैन से हुई तो वुलैन ने उससे कहा कि अगर कोई इंसान किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकता तो वो एक इंसान ही नहीं है। वुलैन की ये बात सुनकर सैम को अपने पिता की याद आ गई और उसने वुलैन का साथ देने का फैसला किया। इसके बाद से उसने एक मास्क पहनकर गुंडों को पीटना शुरू कर दिया और ऐसी ही एक लड़ाई के दौरान एक आदमी ने पीछे से आकर सैम का थोड़ा सा खून निकाल लिया। पर इसके बावजूद भी सैम को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो जानता था कि उसकी सारी चोटें बिजली की मदद से ठीक हो जाएंगी। उधर न्यूज में बताया जा रहा था कि सभी प्रेग्नेंट महिलाएं एक जानलेवा बीमारी से लड़ रही थी और ये जानलेवा बीमारी उन्हें चावल खाने की वजह से हुई थी। दरअसल पेंगोंग का प्लान था कि पहले वो इस बीमारी को फैलाएगा और उसके बाद इसका एंटीडोट बेचकर पैसे कमाएगा। वहीं दूसरी ओर सैम ने अपनी ताकत पर काबू पा लिया था, इसीलिए अब उसने अपनी एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम भी तैयार कर ली थी जिसे पहनकर वो लोगों की मदद किया करता। अब उसने इन गुंडों को मारना शुरू कर दिया था और इन्हीं गुंडों में से एक था वायलिनिस्ट आदि सुलेमान जो पेंगोंग की अनाथ बच्चों की टीम का हिस्सा था। साथ ही मार्केट में आग भी उसी ने लगाई थी। उधर पेंगोंग के बॉडीगार्ड अजीज और उसके एक साथी ने जमीन में खड्डा खोदकर एक सीक्रेट डब्बे को बाहर निकाला और वहीं हैरी ने बाकी ऑफिसर्स से मिलकर उन्हें बताया कि इस बीमारी के पीछे पेंगोंग का हाथ है, इसीलिए उन सभी ने एक साथ मिलकर पेंगोंग को रोकने का फैसला किया। जिसके बाद वो लोग मदद मांगने के लिए सैम के पास पहुंचे। साथ ही हैरी ने उस दवाई के एंटीडोट को बटवाने को भी कहा। उधर जब पेंगोंग के सामने आदि सुलेमान की लाश को लाया गया तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपनी टीम को एक बार फिर से इकट्ठा होकर सैम के खिलाफ युद्ध करने को कहा। जिसके बाद खबर मिलती है कि उन सभी ने एक एक करके पेंगोंग के सभी दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया, पर जैसे ही वो हैरी को मारने वाले थे तभी सैम ने बीच में आकर उसे बचा लिया। इसके बाद हैरी ने सैम से सरकार की मदद करने को कहा। उधर सरकार ने लोगों तक बिना टेस्ट किया हुआ एंटीडोट पहुंचाने का आदेश दे दिया, पर थोड़ी देर बाद ही हैरी को एक फोन आया जिसने उसे बताया कि एंटीडोट असल में पेंगोंग की फैक्ट्री से ही जाने वाला था, जिसका मतलब था कि अगर उसे नहीं रोका गया तो लोगों तक एक गलत एंटीडोट भी पहुंच सकता है। हैरी ने तुरंत ही सैम को फोन करके मदद करने को कहा, पर जैसे ही सैम ने फोन नीचे रखा तो उसकी नजर पेंगोंग और उसके साथियों पर पड़ी जो वहां उसे मारने के लिए आए थे। पेंगोंग ने बिना समय गंवाते हुए अपने साथियों को तुरंत ही सैम पर हमला करने को कहा, पर सैम ने अपनी खास शक्तियों की मदद से बड़ी आसानी से सबको धूल चटा दी। और जैसे ही पेंगोंग पीछे से सैम पर हमला करने वाला था तभी एन मौके पर हैरी ने वहां आकर उसे गोली मार दी। दूसरी ओर वो झूठा एंटीडोट लोगों तक पहुंचने ही वाला था और मामले की गंभीरता को समझते हुए सैम तुरंत ही एक बाइक लेकर एंटीडोट को रोकने चला गया और आखिरकार श्रेयसी नाम की एक लड़की की मदद से वो उस गाड़ी को रोकने में कामयाब भी हो गया। उसने तुरंत ही उस एंटीडोट की बोतल को उठाया और फिर अपनी शक्तियों की मदद से एक साथ सारी बॉटल्स को तोड़ दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बचपन में सभी शील्ड्स को तोड़ा था। एंटीडोट के खत्म होते ही सभी लोग खतरे से बाहर